तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई हो दोस्तों आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले जो आपकी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की दोस्तों जो चैप्टर नंबर 5 है केमिस्ट्री में, रेडियो एक्टिविता तथा नाभिकीय ऊर्जा, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। दोस्तों इस चैप्टर को पहले हम लोग बेसिक देखेंगे क्या इसकी थ्योरी है, उसके उसमें जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उनमें हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर के भी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो आज का दोस्तों ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी का अभी लाइक कर दीजिए, अभी का अभी दोस्तों लाइक करना है, शेयर भी कर देना है। उसका दोस्तों यदि आपने अभी व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां से जाके इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहां पर हमको यही जानना होगा कि जो रेडियो एक्टिविता होती है भाई होती क्या, जो आपकी यहां पर रेडियो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले यहां पर आपको याद करना है कि जो रेडियो एक्टिविता है इसकी खोज कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 1896 ईस्वी में जो रेडियो एक्टिविता है इसकी खोज हुई थी। उसके बाद किसने किसने की थी, हेनरी बेकुरल ने। आपको याद रखना है जो हेनरी बेकुरल नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने की थी। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि फिर मैडम क्यूरी कौन थी, क्योंकि दोस्तों आप लोग कंफ्यूज जाते हैं कि रेडियम और रेडियो एक्टिविता में। तो आपको याद रखना है जो रेडियो एक्टिविता की खोज की थी उनकी खोज हेनरी बेकुरल ने की थी, और जो रेडियम था उसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी। तो आपको याद रखना है जो रेडियो एक्टिविता है उसमें आपको हेनरी बेकुरल ही लिखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए अब रेडियो एक्टिविता है क्या वो दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, तत्वों के उस गुण को जिसके कारण तत्व तो स्वतः ही विशेष प्रकार की किरणें का उत्सर्जन करते हैं रेडियो एक्टिविता कहलाता है। तो दोस्तों तत्वों का ऐसा गुण जिसके कारण दोस्तों वह एक विशेष प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करने लगते हैं उनको हम लोग रेडियो एक्टिविता बोलते हैं। उन किरणों को क्या बोलते हैं, उन किरणों को दोस्तों यहाँ पर हम लोग बेकुरल किरणें या फिर रेडियो एक्टिव किरणें बोलते हैं। अब उसके बाद दोस्तों जो तत्व तो ऐसे गुण प्रदर्शित करते हैं उनको कौन से तत्व तो बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सा है, यदि कोई भी तत्व तो रेडियो एक्टिव गुण को प्रदर्शित कर रहा है तो वह तत्व तो क्या कहलाएगा, रेडियो एक्टिव तत्व ही कहलाने वाला है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी परिभाषा क्या था इसमें। तो चलिए तो अब बढ़ते हम लोग जो अल्फा रेज हैं, अल्फा किरणें हैं, तो इनकी इनको दोस्तों इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इनके गुण देखेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ये किरणें चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में ये विक्षेपित हो जाती हैं। उसके बाद इन किरणों के धन आवेश होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में बताया था, सोने की पतली पन्नी में दोस्तों वह क्या किए थे कि अल्फा कणों की बौछार किए थे। उसके बाद उसमें क्या हुआ कि दोस्तों वहां पर प्रतिकर्षण हुआ क्योंकि दोस्तों दोनों ओर जब धन आवेश हो गया तो प्रतिकर्षण हो जाता है। तो वही दोस्तों मैंने आपको बताया कि धन आवेश होता है। उसके बाद ये किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, जहाँ दोस्तों निगेटिव प्लेट होगी उधर की ओर ये आकर्षित होती हैं। क्यों होती हैं आपको पता है, इधर प्लस इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो ये क्या करेंगी एक दूसरे को दोस्तों आकर्षित करेंगी, मतलब कि अट्रैक्ट करेंगी। तो ये आपको याद रखना है। फिर दोस्तों अब इनके कुछ गुण हैं वो आपको याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपसे इसके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। पहला गुण देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन किरणों के प्रत्येक कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के तुल्य आवेश होता है। प्रत्येक कण जो दोस्तों होता है अल्फा किरणों में, इनका जो आवेश होता है वह कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। उसके बाद अतः ये द्वि आवेशित युक्त हीलियम आयन है, इनको दोस्तों क्या बोलते हैं, हीलियम आयन, 2 आवेशित युक्त 2+, इसीलिए दोस्तों ऊपर लगा हुआ है। आगे फिर दोस्तों यहाँ पर इनके प्रत्येक कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु या प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो इनका दोस्तों जो इनके प्रत्येक कण का जो द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन के परमाणु या प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किरणों में जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है कि इन किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो गैसों की आयनित करने की क्षमता इनमें सबसे अधिक होती है अल्फा बीटा गामा किरणों में। उसके बाद इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है, प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट है, इन किरणों ये किरणें कुछ पदार्थों जैसे कि हीरा, जिंक सल्फाइड आदि पर पड़ने पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं।
छाया उत्पन्न करती हैं जब ये हीरा जिंक सल्फाइड आज पर पड़ती हैं। तो उसके बाद ये किरणों इन किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है, इन किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है, ये 0.1 mm मोटाई की एल्युमिनियम की चादर को भी नहीं भेद पाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दो पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होते हैं कि जो आपकी यहाँ पर अल्फा किरणें होती हैं इनकी आयनित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, गैसों को आयनित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर इनकी भेदने की क्षमता सबसे कम होती है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अभी आगे बढ़ेंगे जब बीटा किरणों में तो आपको इससे और ज़्यादा बेसिक जो है वो आपका क्लियर होगा, तो आप आगे का वीडियो देखते रहिएगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, उम्मीद है आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा। अब देखिए नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एक अल्फा कण का वास्तविक द्रव्यमान कितना होता है, 6.64 × 10⁻¹⁴ ग्राम। तो ये दोस्तों इनका आपको द्रव्यमान याद करना है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि अल्फा कण का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है कितना होता है, और उसके बाद आपको यूनिट भी याद रखनी ग्राम में ना कि किलोग्राम में। आगे दोस्तों अब देखेंगे जो बीटा किरणें हैं, तो बीटा किरणें क्या हैं, इन किरणों के प्रत्येक पर ऋणावेश होता है, ये जो किरणें होती हैं दोस्तों आपकी ऋणावेशित निगेटिव होती हैं, उसके बाद इसलिए ये किरणें धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होती हैं, इधर दोस्तों माइनस हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव, तो दोस्तों इधर एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगी। तो उसके बाद इन किरणों के गुण निम्न हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ गुण दिए गए, एक एक करके हम आपको समझाते हैं। देखिए पहला गुण है ये किरणें चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, वो भी हो जाती थी, ये भी विक्षेपित हो जाती हैं। उसके बाद बीटा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बीटा कण कैथोड किरणों की भांति इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं, जो दोस्तों बीटा कण होते हैं जिस प्रकार कैथोड किरणें जो होती हैं आपकी इलेक्ट्रॉनों की बनी होती हैं, उसी तरह दोस्तों बीटा कण भी आपके इलेक्ट्रॉनों के बने होते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया भी था। अब देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे नेक्स्ट जो गुण है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर दी हुई है, इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 9/10 भाग होता है। दोस्तों अल्फा किरणों का कितना होता था, 1/10, यहाँ कितना होता है 9/10। तो आपको कुछ ये पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आगे दोस्तों बीटा किरणों के कणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता अल्फा कणों से कम होती है, लेकिन इनकी भेदन क्षमता अल्फा कणों से अधिक होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भेदन क्षमता होती है अल्फा की दोस्तों सबसे कम होती है, सबसे कम दोस्तों किसकी होती है, अल्फा की सबसे कम। उसके बाद दोस्तों सबसे अधिक किसकी होती है, गामा किरणें जो होती हैं। अब दोस्तों जो यहाँ पर गैसों को आयनित करने की क्षमता है अल्फा की सबसे अधिक होती है और गामा की सबसे कम होती है। फिर दोस्तों अब गामा की ओर बढ़ेंगे, मैंने आपको बीटा के बारे में बता दिया हुआ है। अब देखिए गामा किरणें हैं, इन किरणों के कणों पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब कि ये उदासीन होती हैं। उसके बाद ये विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं। तो ये दोस्तों जो आपकी अल्फा किरणें और बीटा किरणें थी वो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जा रही थी, लेकिन जो आपकी गामा किरणें हैं विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी किरणें हैं जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको बताना होगा गामा किरणें। अब देखिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसकी कुछ आपकी प्रॉपर्टी दी हुई हैं उनको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये है ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती बल्कि सीधी निकल जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना, ना तो ये विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं और ना ही ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, ये सीधा निकल जाती हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी है, ये किरणें विद्युत तरंगों के समान दूरभेदी होती हैं, इन किरणों की भेदन क्षमता अल्फा बीटा से बहुत अधिक होती है, ये किरणें लोहे की 30 सेंटीमीटर मोटी चादर को भी भेद सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था जो गामा किरणें होती हैं इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, लगभग दोस्तों ये 30 सेंटीमीटर लोहे की मोटी चादर को भी भेद सकती हैं, इतनी दोस्तों इनमें क्षमता होती है, सिर्फ एक किरण में दोस्तों इतनी क्षमता होती है, आप गेस कर सकते हैं 30 सेंटीमीटर मोटी प्लेट को भी दोस्तों यहाँ पर ये भेद सकती हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर है इन किरणों में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत कम होती, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर ये किरणों इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, गामा में अल्फा में 1/10, बीटा में 9/10, इसमें दोस्तों आपका लगभग बराबर होता है, मतलब कि जो इसका है वह इसका भी हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो दोस्तों हुआ कुछ आपकी प्रॉपर्टी अल्फा बीटा और गामा के बारे में। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जो दिया हुआ है रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत, यहाँ पर थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन। तो इसी के बारे में दोस्तों देखेंगे जो आपका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इस सिद्धांत के अनुसार रेडियो एक्टिविता एक नाभिकीय गुण है तथा
अस्थायी नाभिक वाले परमाणु अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करके तब विघटित होते रहते हैं जब तक ये स्थायी नाभिक में परिवर्तित ना हो जाए। देखिए क्या लिखा हुआ, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो आपकी रेडियो एक्टिविता है एक कैसा गुण है, नाभिकीय गुण। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका रेडियो एक्टिविता है वह एक कैसा गुण है, तो आपको बताना होगा कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, नाभिकीय गुण है। आगे यहाँ पर तथा अस्थायी नाभिक वाले परमाणु अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करके तब तक विघटित होते रहते हैं जब तक कि ये स्थायी नाभिक में परिवर्तित ना हो जाएं। जब तक दोस्तों ये अस्थायी होंगे तब तक ये दोस्तों विघटन होता रहेगा इनमें। जैसे ही दोस्तों ये स्थायी नाभिक को प्राप्त कर लेंगे तो इनमें दोस्तों विघटन की क्रिया समाप्त हो जाएगी। तो इसी को दोस्तों यहाँ पर जो सिद्धांत है यही दोस्तों आपका रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो यही दोस्तों आपका ये सिद्धांत कहता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि अल्फा का जो उत्सर्जन हो रहा है, अल्फा एमिशन जो हो रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। तो आपको याद रखना है अल्फा कण किसका नाभिक होता है, हीलियम का नाभिक होता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पर, अतः इसके उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में 4 इकाई तथा परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी होती है। यदि दोस्तों किसी भी तत्व से दोस्तों यदि अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो उसके परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होगी, परमाणु क्रमांक में दोस्तों 2 की कमी होगी। जो परमाणु द्रव्यमान है मतलब कि परमाणु भार है उसमें 4 इकाई की कमी होगी। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपको समझाते हैं, देखिए इसका दोस्तों बांध में क्या था, आपको जूम करके मैं दिखा देता हूं। इसका बांध में दोस्तों परमाणु क्रमांक था और 238 इसका परमाणु भार था। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक अल्फा कण जो है वो यहाँ से निकल रहा है। जब दोस्तों यहाँ से एक अल्फा कण निकला तो बांध की जगह कितने हो जाएंगे, 90, क्योंकि 2 इकाई की कमी किसी होती है परमाणु क्रमांक में। उसके बाद यहाँ 238 है, 4 की कमी किसमें होती है, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान में। तो यहाँ पर दोस्तों 238 जगह 234 हो गया। अब दोस्तों जब इसमें 2 परमाणु क्रमांक कम हो गया तो ये एक दोस्तों ये वाला एक नया तत्व बन गया। उसके बाद ये देखिए वही यहाँ पर लिखा गया कि 2 तत्व निकले हैं, किसकी, हीलियम के 2 परमाणु क्रमांक यहाँ से निकल गए हैं। तो वही दोस्तों यहाँ पर आगे बताया गया कि अल्फा कण किसका नाभिक होता है, हीलियम का। तो यहाँ पर इसको हीलियम के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आगे दोस्तों बीटा उत्सर्जन को देखेंगे। बीटा एमिशन क्या है, बीटा कण को -1 मतलब कि आपका परमाणु क्रमांक है, ई ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, 0 मतलब कि आपका जो परमाणु भार होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको इससे प्रदर्शित करते हैं आगे, अतः ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको याद रखना ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके उत्सर्जन पर परमाणु द्रव्यमान तो अपरिवर्तित रहता है, क्यों अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 0 ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद परंतु परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, कमी नहीं दोस्तों वृद्धि होती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये वाला आपका यहाँ पर तत्व था, इसमें दोस्तों 1 बीटा कण उत्सर्जित हुआ, दोस्तों ये आपका 234 का 234 बना रहेगा, लेकिन दोस्तों जो आपका परमाणु क्रमांक होगा उसमें 1 परमाणु की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। वही दोस्तों आगे लिखा गया है -1 और E0। अब दोस्तों देखिए जब इस तरह लिखा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इस मतलब कि ये आपकी रिएक्शन है, इस तरह रिएक्शन लिखी तो इसको ये लिख सकते हैं, इस तरह आपकी रिएक्शन लिखी है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, यही आपका यहाँ पर कहने का मतलब था। अब दोस्तों देखिए बीटा उत्सर्जन हो गया, अल्फा उत्सर्जन हो गया, अब इसके कुछ फार्मूले हैं जो आप ट्रिक द्वारा इसको भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है निकलने वाले अल्फा कणों की संख्या, यदि आपका कोई भी परमाणु दिया हुआ है वहाँ से पूछा जा रहा है कि इससे कितने अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, तो द्रव्यमान संख्या में कितना परिवर्तन आया, पहले का द्रव्यमान संख्या दिया होगा बाद में दिया होगा, उनका अंतर निकालना है, 4 से भाग देना है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यदि निकलने वाले बीटा कणों की संख्या पूछी जाए तो 2 × अल्फा, पहले आपको अल्फा कण की संख्या निकालनी पड़ेगी, उसके बाद परमाणु क्रमांक में कितना परिवर्तन हो रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये दोस्तों कुछ फार्मूले हैं जो आप याद करेंगे तो आपको दोस्तों हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अभी आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों जो आपका यहाँ पर गामा एमिशन है, जो आपका यहाँ पर गामा उत्सर्जन है, वह दोस्तों क्या कहता है, किसी परमाणु से अल्फा तथा बीटा कणों के उत्सर्जन के पश्चात इसका नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। जब अल्फा कण निकल जाएगा, बीटा कण उत्सर्जित हो जाएगा, तो जो उसका नाभिक होगा दोस्तों एक दोस्तों उत्तेजित अवस्था में होता है, तथा यह अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन गामा किरणों के रूप में होता है। दोस्तों जो बाद में उत्सर्जन होता है, जो इस ऊर्जा का उत्सर्जन बाद में होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर गामा उत्सर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नोट पॉइंट आपको याद रखना है, गामा कणों का उत्सर्जन होने पर द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित रहते हैं। यदि किसी भी तत्व से
गामा कण का उत्सर्जन हो रहा, गामा किरणों का उत्सर्जन हो रहा, तो वहाँ पर दोस्तों परमाणु क्रमांक में, परमाणु भार में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल को देखते हैं, 15 मिनट का वीडियो लगभग हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 226 परमाणु भार, उसके बाद 88 परमाणु क्रमांक वाले एक तत्व से 2 अल्फा कण निकलने के बाद प्राप्त तत्व का परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु भार में कितने का परिवर्तन आता है, परमाणु भार में दोस्तों 4 का परिवर्तन आता है और परमाणु क्रमांक में 2 का परिवर्तन आता है, मतलब कि 2 कम हो जाता है। जब 2 निकलेंगे अल्फा कण दोस्तों तो परमाणु भार में 8 की कमी आएगी और परमाणु क्रमांक में 4 की कमी आएगी। तो यहाँ पर देखिए 226 ये आपका परमाणु भार है, तो इसमें दोस्तों 8 की कमी आएगी, 226 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ दोस्तों आपका 8 घटाएंगे तो 8 8 16, तो यहाँ पर 218 बचेगा। उसके बाद दोस्तों जब अब यहाँ पर 88 है तो 88 दोस्तों 4 निकलेंगे तो 88 में 4 घटाएंगे तो बचेगा आपका 84। तो दोस्तों जो आपका विकल्प नंबर डी है 84,218 यही आपका राइट हो जाएगा। यही दोस्तों आगे सॉल्व किया गया होगा, देखिए यही दोस्तों आगे आपका सॉल्व किया गया है कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन पर 2 इकाई कमी परमाणु क्रमांक में होती है, 4 इकाई कमी परमाणु भार में होती है, तो 2 अल्फा कण उत्सर्जित होने पर दोगुना हो जाएगा। तो वही दोस्तों यहाँ पर आपका घटा के लिखा गया है, तो वही दोस्तों मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें देखिए आपको एक लिखने की विधि भी मैं बताऊंगा कि यदि आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते, आप इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में लिख करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन इज दैट एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 232 है, परमाणु क्रमांक उसका 90 दिया हुआ है, यह 2 बीटा कण उत्सर्जित करने के बाद कितने अल्फा कण उत्सर्जित करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले बीटा कण तो आपके 2 उत्सर्जित हो रहे हैं, लेकिन कितने अल्फा कण उत्सर्जित करेगा ये आपको ज्ञात करना है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, प्राप्त नए तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या 212 तथा परमाणु क्रमांक 82 रह जाता है। तो दोस्तों देखिए एक मैंने आपको तरीका बताया हुआ था कि आप ये फार्मूला याद करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि आप ये वाले फार्मूले याद रखेंगे। तो देखिए कैसे, तो पहले आपको डायरेक्ट जो फार्मूला है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने बताया था जब 2 बीटा कण उत्सर्जित होंगे तो आपके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, परमाणु क्रमांक 1 के दोस्तों उत्सर्जित होने पर 1 की वृद्धि होगी और 2 के उत्सर्जित होने पर यहाँ पर 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है, 90, 2 बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं तो यहाँ पर 90 की जगह कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब दोस्तों बीटा कण उत्सर्जित होने के बाद कितने अल्फा कण उत्सर्जित करेंगे तो ये यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। उसके बाद परमाणु क्रमांक आपका कितना रह जा रहा है, 82 रह जा रहा है, तो यहाँ पर आपको परमाणु ज्ञात क्या करना है, अल्फा कण कितने उत्सर्जित होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको फार्मूला पता है, द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन, द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन, तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन कितना हो रहा है तो वो तो मैंने आपको निकाल के बताया, कैसे आपको दोस्तों वहाँ पर निकालना होगा, जब 2 उत्सर्जित होंगे तो 90 जगह कितना हो जाएगा, 92। अब देखिए द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन कितना हो रहा है जब अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जब 2 बीटा कण उत्सर्जित होंगे तो परमाणु भार है उसमें कितना परिवर्तन आएगा, 0 का, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि बीटा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो परमाणु भार कितना होगा, 232। अब देखिए यहाँ पर जब एक कुछ अल्फा कण उत्सर्जित होंगे तब आपका परमाणु भार कितना हो जा रहा है, 212, तो 232 में 212 घटाते हैं कितना आएगा, 0 आएगा, 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 20 बचेगा, मतलब कि दोस्तों परमाणु क्रमांक में कितने की कितना परिवर्तन हो रहा है, 20 का हो रहा है। तो यहाँ पर फार्मूले में रखते हैं परमाणु क्रमांक नहीं बल्कि दोस्तों परमाणु संख्या, कितना परिवर्तन होगा, 20 का, कितने दोस्तों भाग दिया था 4 से, तो 4 5 20, तो कुल मिलाकर दोस्तों कितने अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, यहाँ पर 5 अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं। कैसे किया, फिर से देखिए बीटा कण उत्सर्जित होंगे तो आपके सिर्फ परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होगा तो 92 हो जाएंगे, तो परमाणु क्रमांक से हमको कोई लेना देना नहीं है। बीटा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु भार में कितना परिवर्तन होगा, 0 होगा, क्योंकि बीटा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जब कोई परिवर्तन नहीं होगा 232 का 232 ही बना रहेगा। अब दोस्तों कितने अल्फा कण उत्सर्जित होने ये हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि इसका परमाणु भार कितना हो जा रहा है, 212 हो जाएगा, तो घटा देंगे दोस्तों बचेगा आपका यहाँ पर 20 बचेगा। अब दोस्तों आपको फार्मूला पता है आप उससे आंसर निकाल लेंगे, तो दैट्स ऑल दोस्तों। अब देखिए इसका आपको
जो यहाँ पर दिया गया है इक्वेशन के रूप में वो कैसे करेंगे। देखिए तो मान लेते हैं दोस्तों कि जो मूल तत्व तो आपका था यक्ष था, जो बनने वाला तत्व तो है वह आपका वायु हो गया। तो देखिए मूल तत्व तो में आपके कितने दिए हुए थे, 90 आपका परमाणु क्रमांक था, 232 आपका परमाणु भार था। जब जो आपका बनने वाला तत्व है उसमें 82 आपका क्या हो गया परमाणु क्रमांक, और 212 आपका परमाणु भार हो गया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर दो हमको बीटा कण उत्सर्जित करने हैं, दो बीटा कण उत्सर्जित करने का मतलब दोस्तों यहाँ पर 2 बीटा यहाँ पर उत्सर्जित करेंगे, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 82 वाला आपका परमाणु क्रमांक बचा। कितने अल्फा कण उत्सर्जित हुए वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब दोस्तों आपको पता है एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर कितने की दोस्तों परिवर्तन होता है, 2 का, तो वो यहाँ पर आपको 2 लिखा हुआ है, और परमाणु भार में कितना होता है 4 का, वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। आगे दोस्तों आपको पता है कि जो दोस्तों जब आपका बीटा कण उत्सर्जित होता है तब दोस्तों आपके परमाणु क्रमांक भार में कितनी कमी होती है आपको पता है, तो यहाँ पर आपकी 1 की जो होती है वृद्धि हो जाती है, तो लेकिन यहाँ पर कितनी है 2, तो वो यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ है। अब देखिए इसको इक्वेशन के रूप में बनाते कैसे हैं, तो दोस्तों परमाणु भार को हम लोग परमाणु भार के टर्म में योग कर लेंगे, परमाणु क्रमांक को परमाणु क्रमांक के रूप में योग कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर हमको जरूरत किसकी परमाणु भार की, तो यहाँ पर कितने परमाणु भार हैं 232, इसमें कितना है 212। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना है 4, तो दोस्तों 1 का हो गया, लेकिन हमको कितने निकालने एक्स, और इसी दोस्तों एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है तो कितने अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, तो दोस्तों जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हम लोग के अल्फा कण हो जाएंगे। तो मान लेते हैं दोस्तों 1 का उत्सर्जित होने पर 4, दोस्तों 4 की परिवर्तन हो रहा तो एक्स में 4x हो जाएगा। आगे दोस्तों प्लस 2, और इसमें देखिए 2 × 0, 0 क्यों लगाया गया, क्योंकि दोस्तों आपका जब बीटा कण उत्सर्जित होता है परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4x = 20 आएगा, तो एक्स बराबर 5 वही आपका आ जाएगा, जैसा कि मैंने भी आपको सॉल्व करके बताया हुआ था। तो डायरेक्टली भी आप फार्मूले से जल्दी कर सकते हैं, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आई हो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे दोस्तों ये यहाँ पर दिया गया है सोडी समूह विस्थापन नियम, तो इसको देखेंगे और इस वीडियो को यहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है सोडी विस्थापन नियम में, तो यहाँ पर देखिए चलिए इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है इस नियम के अनुसार किसी रेडियो एक्टिव परमाणु में से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से प्राप्त नया परमाणु आवर्त सारणी में मूल परमाणु से 2 स्थान बाईं ओर चला जाता है, तथा 1 बीटा कण के उत्सर्जन पर नया परमाणु आवर्त में मूल कण के 1 स्थान दाईं ओर चला जाता है। कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों यह बोला गया है कि जब एक रेडियो एक्टिव परमाणु से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो जो आपका नया प्राप्त परमाणु होता है उसमें दोस्तों 2 स्थान बाईं ओर चला जाता है। बाईं ओर जाने का मतलब है कि लेफ्ट साइड में आ जाता है। लेफ्ट साइड में क्यों आ जाता है, पहले दोस्तों उसका मान लीजिए परमाणु क्रमांक था 92, अब उसमें देखिए एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो कितने की कमी आएगी 2 की, कितना बचेगा बाद में 90, तो मतलब कि पहले दोस्तों यहाँ पर था, बाद में इधर 91, इधर 90, मतलब कि बाईं ओर खिसक गया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एक बीटा कण के उत्सर्जन से दोस्तों उसमें आवर्त सारणी में मूल स्थान से दाईं ओर चला जाता है। दाईं ओर जाने का मतलब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए उसका 92 था, अब एक बीटा कण उत्सर्जित हुआ तो कितना जाएगा 93, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यह अपना राइट साइड में आ जाएगा। तो यही दोस्तों आपका सोडी का जो समूह विस्थापन का नियम है वही यहाँ पर कहता है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 84 दोस्तों आपके यहाँ पर दिए हैं परमाणु क्रमांक, तो इससे दोस्तों एक जब बीटा कण उत्सर्जित हुआ तो कितना हो गया 82, तो 84 यहाँ था तो यहाँ 83 बचेगा, यहाँ 82, तो ये दोस्तों लेफ्ट साइड में आ गया। इसमें देखिए यहाँ पर जब दोस्तों यहाँ पर आपका बीटा कण उत्सर्जित होगा तो 1 बढ़ जाएगा, तो 82 की जगह दोस्तों कितना हो जाएगा 83, तो ये राइट साइड में विस्थापित हो गया। तो यही दोस्तों आपका जो सोड़ी का समूह विस्थापन का नियम है यही दोस्तों यहाँ पर यही रूल बताता है। और वही दोस्तों आपका यहाँ पर इक्वेशन के रूप में लिखा गया है कि दोस्तों एक जब आपका कण उत्सर्जित हो रहा तब दोस्तों 2 की कमी हो रही है परमाणु क्रमांक में, 4 की कमी हो रही है आपके परमाणु भार में। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक जो आपकी वृद्धि हो रही है वह आपके परमाणु क्रमांक में, 0 की वृद्धि हो रही है आपके परमाणु भार में। वही दोस्तों यहाँ पर आपका इक्वेशन के रूप में समझाया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब जो दोस्तों बाकी के क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनको लेंगे। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, तो इनको आप इतना तैयार करिए, और यदि आप एक्सरसाइज क्वेश्चन कर पाते हैं इस इतने के बताने के बाद तो आप करिए। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।